ये मैसेज देश में हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा आम जनता करना चाहती है, संविधान की रक्षा भी देश के आम नागरिक करना चाहते हैं। आम देश के जनता ये चाहती है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी बने, इनका सम्मान बढ़े, ये लोकतंत्र की रक्षा करें, ये विपक्ष के साथ खड़े रहे, और विपक्ष के साथ खड़े रह के हमारी जो भी सरकारें हो, वो चाहे प्रदेश की या देश की, उसको गलत कामों पर एक तरीके से सही रास्ते पे लाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाएं। इंदौर जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या की पराकाष्ठा की, करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा में अपना बटन दबाया, कैसा चुनाव था, लोग अपने आप निकले, एक ऐसी कुश्ती जिसमें एक ही पहलवान है और खुद लड़ रहा और खुद कह रहा है मैं जीत गया। मैं मानता हूं ऐसे में आम जनता ने, इंदौर शहर की, स्वच्छ शहर की जनता ने उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है 2.5 लाख के आसपास वोट दे के नोटा में कि आपने जो पाप किया है वो माफ करने योग्य नहीं है। फिर से ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करते हुए, जरूर मोदी गारंटी की गारंटी देश ने नकार दी है, और मोदी गारंटी की अब कोई गारंटी बची नहीं है। मध्य प्रदेश में आवश्यकता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो जो बातें मोदी गारंटी के नाम पर करके वोट लिए उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष की धार को बढ़ाए, बिना डरे आंखों में आंखें डालकर अपनी भूमिका निभाए। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, और कांग्रेस पार्टी जो जनादेश मिला उसको स्वीकार करती है।